बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड, अब दो दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाई आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता, मेन रोड पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नियर टार्को टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था, संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन। और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइट एमरॉन मैसिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर स्लामपुरिया एनर्जी बिसाइड मधुबन मेजेस बरगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। भाजपा ने किया केंद्र सरकार के आम बजट पर संगोष्ठी का आयोजन, शहर के कई प्रबुद्ध लोग हुए शामिल। वक्ताओं ने आम बजट को बताया सरकार का जनता के हित में साहसिक कदम। एसएसबीएम में शुरू हुआ विद्या विकास समिति द्वारा आयोजित 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन, झारखंड प्रांत के 250 प्रधानाचार्य हुए शामिल। वर्तमान सत्र की समीक्षा करने के साथ ही आगामी सत्र की करेंगे योजना तैयार। बेंगाबाद में करीब 2,39,00,000 की लागत से होगा 2 सड़कों का पूर्ण निर्माण। गांडे विधायक सरफराज अहमद ने किया शिलान्यास, संवेदक को दी गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं करने की हिदायत। बीएनएसजेबी में मनाई गई महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, निकाली गई जन जागरूकता रैली, यज्ञ हवन में शामिल हुए शिक्षक व छात्र। और रविदास महासभा जिला कमेटी के पुनर्गठन को लेकर रविदास महासभा की हुई बैठक, सत्यनारायण दास अध्यक्ष और मधु दास चुने गए सचिव। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के द्वारा रविवार को श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में केंद्र सरकार के आम बजट पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीए विकास खेतान ने लोगों को आम बजट की जानकारी देते हुए इसे केंद्र सरकार का एक साहसिक बजट बताया। शहर के आईसीआर रोड स्थित श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में भाजपा जिला कमेटी के द्वारा भारत सरकार के द्वारा लाए गए आम बजट पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संयोजक मुकेश जलान और सह संयोजक अधिवक्ता संघ के महासचिव सह भाजपा नेता चुन्नू कांत थे। वहीं मंच का संचालन भाजपा के जिला महामंत्री संदीप डंकेज कर रहे थे। और आप सारे लोगों को बजट को आए कई दिन बीच में लगातार मीडिया में सोशल मीडिया में जो चर्चा हुई है उसे जनमानस से इस बात को पता है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के लिए और पूरी टीम ने इस देश के लिए क्या किया है। मकसद इसका यह है कि कोई हम अपनी कीमत बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी सरकार की शाबाशी के यहाँ नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन पिछले करीब 8 वर्षों में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो लगातार प्रगति हुई है, आर्थिक विकास हुआ है, उस पर आम लोगों के बीच ये चर्चा जाना था ताकि आम लोग समझ सके कि सरकार इस बीच कहाँ क्या कर रही है। आप सारे लोगों को पता है जो लोग थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था रखते हैं
उसमें बढ़ोतरी होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य वक्ता शहर के जाने माने सीए विकास खेतान ने आम बजट को एक साहसिक बजट बताते हुए कहा कि चुनावी वर्ष में इस तरह का बजट लाना बहुत ही साहस का काम है। इस बजट के लिए देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। उन्होंने पूरे विस्तार से बजट को समझाते हुए लोगों के सवालों का जवाब देते हुए सही जानकारी उपलब्ध कराया। इस दौरान उन्होंने नए टैक्स स्लैब पर भी चर्चा करते हुए फायदों के बारे में जानकारी दी। जो बहुत देर वस्तु विकसित राष्ट्र बनाने के अपने उद्देश्य को अगली पंक्ति में रखेगा। सरकार ने रेल के माध्यम से कृषि उत्थान, व्यापारिक प्रगति, रोजगार, आर्थिक असमानता को दूर करना, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना, कमजोर लोगों को आर्थिक सबलता प्रदान करना, नागरिक सुरक्षा, बेहतर प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सरलीकरण, विवादों का निपटारा, त्वरित न्याय, लाल किला सारी संपत्ति आदि सभी विषयों काफी गंभीरता से बैठक का हिस्सा। केंद्रीय बजट में बहुत सी बातों का समावेश होता है जिसमें मुख्यतः आर्थिक दृष्टिकोण एवं कर से संबंधित प्रावधानों की विशेष विवेचना की जाए। कार्यक्रम में रेडक्रॉस के सचिव राकेश मोदी, पवन चूड़ीवाला, इंजीनियर विनय सिंह, संजीत सिंह पप्पू, सदानंद राम, मोतीलाल उपाध्याय, विवेश जलान, रोहित जलान, ज्योति शर्मा, नवनीत सिंह, चंदन सिन्हा, सीए संजय शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विकास समिति के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय प्रांति प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में झारखण्ड प्रांत के 250 प्रधानाचार्य बैठक वर्तमान सत्र की समीक्षा और आगामी सत्र की योजना तैयार करेंगे। विद्या विकास समिति के तत्वाधान में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन की शुरुआत रविवार को की गई। सम्मेलन का उद्घाटन अखिल भारतीय संस्थान विद्या भारती मंत्री डॉ. किशन वीर सिंह शाक्य, क्षेत्र संगठन मंत्री खयाली राम, उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव नकुल कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, विद्या विकास समिति के अध्यक्ष संजय राजगढ़िया व प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्राचार्य शिव कुमार चौधरी ने अतिथियों का परिचय कराते हुए उनका स्वागत सॉल भेंट कर किया। झारखंड प्रांत के 250 प्रधानाचार्य मिल बैठकर वर्तमान सत्र की समीक्षा और आगामी सत्र की योजना तैयार करेंगे।
इस दौरान शिशु मंदिर के संस्थापकों द्वारा जिस नियमित विद्यालय प्रारंभ किया गया है उसके मानक पर खरा उतर रहे हैं या नहीं तथा वह अपने राष्ट्र को गौरव पर ले जा सकेंगे सहित बिंदुओं चर्चा करने के साथ ही समीक्षा की गई। कहा कि आचार्य नई शिक्षण तकनीक से अपने आप को तैयार रखे। नई शिक्षा नीति के अनुसार सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाएगा। कहा कि अगर माइंड सेट ठीक नहीं हो तो लक्ष्य और व्यवस्था फेल हो जाती है, कार्य ही हमारी सफलता है। इसी भाव को लेकर विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य यहां एकत्र हुए हैं। मौके पर ओम प्रकाश सिन्हा, नीरज लाल, सुरेश मंडल, तुलसी प्रसाद ठाकुर, फणीन्द्र नाथ, विवेक नयन पांडे, रमेश कुमार यादव, पूर्णकालिक एवं स्थानीय समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। को भी नमन करता हूं और आप सबको नमन इसलिए करता हूं कि आपका जो डिसिप्लिन और डेकोरम है वो तो आई हैव नेवर एवर सीन एंड एक्सपीरियंस्ड, प्राउड ऑफ यू। सबको नमस्कार। तो अब जो इस सम्मेलन की बात है तो तिवारी जी ने कहा हमारा मिशन क्या है, हम क्या क्या काम करेंगे, और उन्होंने मैनेजमेंट की ओर भी संकेत कर दिया है जो हम विभिन्न बैठकों में सीख लेंगे। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा माइंड सेट की। अगर हमारा माइंड सेट ठीक नहीं होता है तो मिशन और मैनेजमेंट उतने प्रभावी नहीं हो पाते। तो मैं फोर्ड की बात से शुरू करता हूं। तीन बात उन्होंने कही है, इतने सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कम टुगेदर इज बिगिनिंग, स्टे टुगेदर इज प्रोग्रेस, एंड वर्क टुगेदर इज सक्सेस। ये सम्मेलन ये तीन काम करेगा। कम अब वर्क टुगेदर इज सक्सेस, स्टे टुगेदर इज प्रोग्रेस। तो हम सब साथ रहेंगे जो तय करेंगे, उनके कारण से विद्या भारती के कार्य की जो पद्धति है उसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। आप आश्चर्य करेंगे, प्रोफेशनल ढंग से जो लोग काम करते हैं, बहुत फीस लेते हैं, उनका सम्मेलन भी इतना अच्छा नहीं होता जितना हम लोगों का है। तो आप सबको बधाई है कि अब इसको सिस्टमेटिक कैसे करना। तो वर्क टुगेदर इज प्रोग्रेस, इसको करना है सक्सेस तक। सक्सेस तक पहुंचने के लिए यहां करना क्या है, अब जो कुछ बात करनी है वो NEP के रेफरेंस को भी हमें ध्यान में लाना है। हमें अपना माइंड सेट चेंज करना है। विद्या भारती के लक्ष्य से हम सभी लोग परिचित हैं कि हमारे द्वारा तैयार भैया बहन जो पूर्व छात्र हैं वो इस राष्ट्र जीवन को कितना समृद्ध कर रहे हैं, तभी हमारे द्वारा प्रदत्त शिक्षा की सार्थकता होगी। यह भी चिंतन का भी हो जाते हैं जो विशिष्ट ढंग से अपने कार्य को गति प्रदान करते हैं, अपना समाधान बताते हैं। और आज के समय में सभी भाई बहन अपने को तकनीक से अपडेट और अपग्रेड कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ छूट गया है, कहीं कुछ कमी रह जाती है, इसे कैसे पूर्ण किया जाए, इसकी भी चर्चा करेंगे, इसका भी चिंतन करेंगे। विद्या विकास समिति झारखंड, अरांचल शिक्षा समिति झारखंड और जनजातीय शिक्षा समिति झारखंड के द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जो हमारे विद्यालय के रीढ़ हैं, केंद्र बिंदु हैं, उनका यह सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हम अपने कार्य को कैसे और गुणवत्ता से पूर्ण करें, हमारे भैया बहनों का सर्वांगीण विकास NEP के अंतर्गत कैसे हो, इस पर योजना बनाएंगे, क्रियान्वित करेंगे। नई विधाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ रही हैं, उन नई विधाओं के साथ हम भी तन्मय होकर के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक योग्य सफल राष्ट्रभक्त युवा पीढ़ी का निर्माण ये प्रधानाचार्य जी अपने विद्यालयों में कर सकें, इसी दृष्टि से अपना यह प्रधानाचार्य सम्मेलन गिरिडीह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित है। गांधी विधायक सरफराज अहमद ने रविवार को विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,39,00,000 की लागत से बनने वाले 2 सड़कों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत के तहत दोनों सड़कों का निर्माण किया जाएगा। गांडे विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड के तेलोनारी पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने 2 सड़कों का शिलान्यास किया।
इस दौरान विधायक ने तेलोनारी मोड़ से निंगोटोला तक करीब 1,41,00,000 की लागत से बनने वाली 1.9 किलोमीटर सड़क तथा मोतीलेदा से छोटकी खरगडीहा मुख्य मार्ग परसन गांव से मध्य विद्यालय परसन तक 97,91,000 की लागत से बनने वाली 1.1 किलोमीटर सड़क की आधारशिला रखी। मौके पर विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि हेमंत सरकार आम लोगों के सेवा के लिए सदैव तत्पर है, सरकार जनता के हित में काम कर रही है। कहा कि करीब 2,39,00,000 की लागत से 2 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने संवेदक को निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुख्य रूप से सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जीप सदस्य केदार हाजरा, मुखिया प्रतिनिधि नरसिंह देव, चपुआडी मुखिया मोहम्मद समीव, नागेंद्र देव, सुरेंद्र देव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री, अशोक यादव समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। फ्रॉम PMJSY रोड तेलोनारी मोड़ से आरियो रोड निंगोटोल वाया नरसिंह नारायण देव होम, ठीक है ना, इसकी लंबाई है 1.940 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर पकड़ लीजिए। एग्रीमेंट हुआ है 1,41,14,758। आज इसका शिलान्यास हो रहा है, इसको कंप्लीट कर देना है नवंबर में, 5 नवंबर को ये वाला। अब उधर जो हम लोग किया वो 1 किलोमीटर मोहनपुर टू मिडिल स्कूल पर्सन इन आरियो रोड मोतीलेदा टू छोटकी खरडीहा, वो जो रोड है उसके मैंने मोहनपुर गांव तक, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर 1.100 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर, उसमें है 97,91,000 माने 98,00,000 का वो एग्रीमेंट है। इसका भी कंप्लीशन डेट वही है 5 नवंबर इसी साल कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और ये काफ़ी दिन से लंबित था, ये पार्ट छूट गया था क्योंकि जिसकी ज़मीन थी शायद उन्होंने नहीं दिया था। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे धरियाडी गिरिडीह। खत्म हो गया, अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा, बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। मैडम इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम, ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श मिल चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11-11 द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोप्राइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच।
वहीं टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्सकेन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरे स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। ग्रीडी कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप COD ग्रीडी। शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, सुइटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोदी लेदा गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल्ड ब्लैडर स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक
के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वेनसडेवी स्कूल में रविवार को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान जन जागरूकता रैली निकालने के साथ ही यज्ञ हवन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ छात्रों ने हिस्सा लिया। शहर के सिरसिया में संचालित वेनसडेवी स्कूल में रविवार को आर्य समाज के संस्थापक वेदों की और लोटों के उशोधक एवं महादेश भक्त महा ऋषि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आरंभ यज्ञ हवन एवं महर्षि दयानंद सरस्वती चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस दौरान विद्यालय परिसर से जन जागरूकता रैली निकाली गई, जो विद्यालय के मुख्य द्वार से सिरसिया ब्लॉक होते हुए विद्यालय पहुंची। रैली में विद्यालय के छात्र अपूर्व अक्षत महर्षि दयानंद सरस्वती के परिधान को धारण कर आगे आगे चल रहे थे और शेष छात्र महर्षि दयानंद सिद्धांतों विचारों एवं नारों का जयकारा लगाते हुए जन जन को उनके विचारों से अवगत करा रहे थे। रैली के बाद भव्य वैदिक हवन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्राचार्य शिक्षक एवं छात्रों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया और यज्ञ को पूर्णाहुति दी। इस मौके पर विद्यालय की छात्रा सोम्या पांडे ने संचालन में रिया कुमारी अम्बा श्रीरमन एवं प्राची ने महर्षि दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। वहीं डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जून के क्षेत्रीय निर्देशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद ने अपना संपूर्ण जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश के लेखन में उन्होंने भक्ति ज्ञान के अतिरिक्त समाज के नैतिक उत्थान एवं समाज सुधार पर जोर दिया। आज गंगा से पावन और हिमालय से महान एक इंसान की
अंबेडकर भवन में मौके पर समाज के कई लोग शामिल हुए। रविदास महासभा जिला कमेटी के पुनर्गठन को लेकर रविदास महासभा की एक बैठक रविवार को अफसर कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में बैजूदास की अध्यक्षता में हुई। मौके पर सभा द्वारा अध्यक्ष और सचिव पद के लिए चुनाव भी कराया गया। चुनाव के दौरान सबसे अधिक मत प्राप्त कर सत्यनारायण दास अध्यक्ष और मधुदास सचिव पद के लिए चुने गए। सभा को संबोधित करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष सत्यनारायण दास और मधुदास ने कहा कि वे दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, साथ ही समस्याओं को दूर कर विकास करने की कोशिश भी करेंगे। आज जिला रविदास महासभा का 13 प्रखंड के लोग आज इस अम्बेडकर भवन के प्रांगण में 3 महीने से लोग भ्रमण करके कमेटी गठन करके उसके बाद जिला कमेटी रविदास महासभा का यहाँ चुनाव हुआ। उसमें रविदास महासभा का महासचिव के पद पर मुझे जीत हासिल हम किए और अब हम चाहेंगे कि प्रत्येक प्रखंड में जा करके कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी का विस्तार करके गांव को विकास करने के लिए हम तत्पर रहेंगे और जितने भी कमेटी बना हुआ है उसको आगे बढ़ा करके प्रेरित कर लोगों को शिक्षा पर हम बढ़ावा देंगे और नशीली चीज़ों पर जो लोग कायम कर रहे हैं, जो बुराई की ओर पर चल पड़े हैं, उसको रोकने का प्रयास हम लोग करेंगे। अम्बेडकर भवन गिरिडीह में जिला रविदास महासभा कमेटी जिला कमेटी का गठन किया गया है और चुनावी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया गया था और जिस तरह से चुनाव आयोग कमीशन चुनाव लेती उसी प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया गया है और बहुत ही शांति तरीके से चुनाव हुआ है। इसके लिए मैं सभी जिला पदाधिकारी को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। आने वाला समय में रविदास महासभा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम करें। आज गिरिडीह अम्बेडकर भवन में जिला रविदास महासभा का जिला अध्यक्ष का एवं जिला रविदास महासभा का जिला महासचिव का विधिवत समाज की तरफ से वोटिंग कराकर नियमानुसार वोटिंग कराया गया, जिसके अनुसार गिरिडीह के 13 प्रखंड के और गिरिडीह जिले के नगर का 11 पदाधिकारी का अपना अपना बहुमूल्य को वोट देकर जिला रविदास महासभा का जिला कमेटी का चुनाव हो रहा है। 11 बजे से मतदान शुरू हुआ है और 3 बजे इसका समाप्ति होगी। आज हम लोग 17 पदों का चुनाव कर रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष 1 है, उपाध्यक्ष 4, जिला कोषाध्यक्ष 1, उप कोषाध्यक्ष 1, जिला सचिव 1, जिला महासचिव 1, जिला संयोजक 1, मीडिया प्रभारी, जिला निर्देशक, उप निर्देशक, जिला अंकेक्षक, उप अंकेक्षक, जिला संगठन मंत्री, जिला संरक्षक। इस तरह से 17 पदों पर आज हम लोग चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं। 3 बजे के बाद उम्मीदवार जो विजय होंगे उनकी घोषणा की जाएगी। सभा को सफल बनाने में नरेश दास, सुखदेव दास, राजकिशोर दास, दीनदयाल दास, ईश्वर दास, ठाकुर दास, मोहन दास, सत्यदेव दास आदि का सराहनीय योगदान रहा। शहर के बरगंडा चौक के समीप चित एकेडमी एवं पुस्तकालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया, जिसमें अतिथियों ने संस्था के संचालक को शुभकामनाएं देते हुए एकेडमी एवं पुस्तकालय की सराहना की। शहर के बरगंडा चौक के समीप जित अकेडमी एवं पुस्तकालय का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। बतौर मुख्य अतिथि महिला कॉलेज के प्राचार्य मधुश्री सन्याल एवं नगर थाना के SI DK पांडे ने संयुक्त रूप से अकेडमी एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया। चलो सरक संस्थान के संचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शहर के लिए यह बड़ा सौभाग्य की बात है कि पुस्तकालय का उद्घाटन किया जा रहा है।
इससे विद्यार्थियों को सेल्फ स्टडी करने में काफी सहयोग मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में कम पैसों में अच्छी शिक्षा दी जाएगी। वहीं कोचिंग के संचालक आकाश श्रीवास्तव ने बताया कि जित अकेडमी एवं पुस्तकालय में बहुत ही कम शुल्क पर छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। कहा कि संस्थान की ओर से पुलिस विभागों के फिजिकल की भी तैयारी कराने के साथ ही कंप्यूटर कोर्स की भी पढ़ाई कराई जाएगी। जित अकेडमी और लाइब्रेरी के मेंबर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। हमारे इस शहर के बीच इतने अच्छे एक इंस्टीट्यूशन जहां सब तरह की ट्रेनिंग मिलेगी बच्चों को, तो ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारे बीच आप लोग खोल रहे हैं और इसकी खबर मैं अपनी छात्राओं को भी दूंगी, वो काफी लाभान्वित होंगे। एकेडमी एंड लाइब्रेरी के मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई और इसको और आगे आप लोग ले जाइए ताकि हमारे पूरे स्टूडेंट्स को काफी लाभ मिले और इसकी फायदा मिले और इन लोग भी अपने जीवन में प्रतिष्ठा ला पाए। आज जीत अकादमी के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारी प्रिंसिपल महोदय संस्थापक, इस अकादमी के प्राध्यापक, सभी सदस्यजन, सभी विद्यार्थीजन, ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत एक छोटा सा शहर है और इस शहर में लाइब्रेरी युक्त एकेडमी का स्थापना, जिससे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे लाभान्वित हों, यह बहुत ही इस एकेडमी के संस्थापक के का प्रशंसनीय कार्य है। के यहाँ पे मैम मौजूद हुए और आज मैम पे, जैसे कि मैम ने बताया कि आज एग्जाम भी चल रहा था वुमेंस कॉलेज पे, फिर भी वो थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पे आई हम लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए और सर भी आए, उसके लिए धन्यवाद। इसी मौके पर प्रदीप कुमार, रुपेश चौधरी, प्रिंस कुमार, नित्यानंद, श्रुति मिस, सूरज पाठक, रंजीत राय, संदीप देव, सन्नी सिंह, अभाव विपके नगर मंत्री अक्षय यादव, उज्जवल तिवारी, राहुल बर्नवाल, बबलू यादव, विवेक, विशाल, सौरभ मौजूद थे। रविवार को मैथिली विकास मंच की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से होली मिलन समारोह वार्षिक समारोह के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। मैथिली विकास मंच की ओर से बैठक रविवार को प्रकाश कुमार दत्त की अध्यक्षता में बरगंडा स्थित उनके आवास पर हुई। बैठक में मुख्य रूप से मैथिली विकास मंच की ओर से होली मिलन समारोह व वार्षिक समारोह का आयोजन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान समाज मंच के संस्थापक सदस्य रहे स्वर्गीय शिव शंकर पाठक के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बैठक के दौरान मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि 6 मार्च को होलिका दहन के दिन होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, वहीं 8 अप्रैल को मंच का वार्षिक समारोह विद्यापति पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में रुद्रकांत लाल दास, रामलला झा, शशि पाठक, अजय कुमार चौधरी, भिरिया शंकर चौधरी, पीताम्बर झा, मदन मुदित झा, शशि कुमार मिश्रा, आशुतोष झा, प्रकाश कुमार, अमरनाथ झा, आलोक मिश्रा, मुन्ना पाठक सहित कई लोग उपस्थित थे। रेलवे मैदान में रविवार को सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन का 25वीं वर्षगांठ समारोह पूर्वक मनाए गए। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार की पेंशन विरोधी नीतियों की आलोचना की। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन गिरिडीह शाखा का 25वीं वर्षगांठ रविवार को रेलवे मैदान स्थित रविंदर इंस्टीट्यूट में रजत जयंती के रूप में मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गौरी शंकर साहू ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रामानंद प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त SM RPM पूरी, विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। 3 महीने में एक बार पेंशनर्स की मीटिंग, नॉमिनी का नाम दे दिया, परिवार के सदस्यों की सूची दे दिया, महालेखा 7 साल 7 साल 10 साल में हमारे नेता लोगों को जोड़ा जाए, उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा हमको यह होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के वक्ताओं ने कहा कि आज ही के दिन 25 वर्ष पूर्व 1998 में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स की स्थापना की गई थी। वहीं राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ है,
सरकार कर्मचारियों को पेंशन देना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि 60 वर्षों के उम्र तक सरकारी कर्मी कार्य करते हैं, तभी जाकर उन्हें पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन योजना बंद हो जाने से कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सेंट्रल पेंशनर्स एसोसिएशन का 25वां यह 47 सालगिरह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ तमाम लोगों ने महसूस किया कि कल के सदन में प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया कि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लौटा दिया है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय कर्मचारियों को पुराना पेंशन देना नहीं चाहते। उनको पुरानी पेंशन के बारे में इस बात को रखने के पहले जो सांसद और विधायक को जो पेंशन एक एक तीन तीन बार चार चार पेंशन दिया जा रहा है पहले उनको वापस करना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने आज आक्रोश प्रकट किया और हम लोग ये मानते हैं कि सांसद 5 वर्ष के लिए बनते हैं, विधायक 5 वर्ष के लिए बनते हैं, लेकिन जो सरकारी सेवक है वो 60 वर्ष की उम्र तक 40 साल 45 साल तक वो सेवा देते हैं, इसलिए उनको पेंशन मिलता था और उनके पेंशन के बदले में राजनेताओं को पेंशन देकर उनका पेंशन छीन लिया गया। यह दुख का विषय है, इसलिए मांग करेंगे मोदी जी से कम अपने जो वक्तव्य दिया है उसको वो संशोधित करें और केंद्रीय कर्मचारियों को पुराना पेंशन वापस करें। और आज हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एसोसिएशन का 25वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर में हमारे यहाँ पीएम पुरी रामानंद सिंह जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अन्य भी उपस्थित हैं। हम लोगों के बीच में बात जब आई बहुत ही उनको हमारी चोट लगी है और उसके लिए संघर्ष करने को भी तैयार हैं और एसोसिएशन हर संस्था के साथ जो पेंशन प्राप्त कराएगा उससे हम लोग लड़ाई करेंगे। और कार्यक्रम में रघुनंद प्रसाद विश्वकर्मा, जिला सचिव एसएल दास, वित्त सचिव मंगल कुमार, भूतपूर्व सैनिक नवीन कांत सिंह, दिलीप शर्मा, एमडी राशिद सहित कई लोग मौजूद थे। बिहार के अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान मोर्चा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार से आए अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान मोर्चा के अमृतांशु वत्स संजीव सिंह जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए विशाल सिंह के हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कहा कि 2 दिनों के अंदर विशाल सिंह के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया तो चक्का जाम किया जाएगा। प्रेस वार्ता में अंशु सिंह, नितिन सिंह, राहुल सिंह, हिमांशु सिंह, दीपांशु सिंह, अमलेश निवास आदि मौजूद थे। देखिए जिस तरीके से झारखंड के अंदर बीते एक सालों के अंतराल पर 3-4 घटनाएं ऐसी हो गई हैं जिसमें अभी तक मृतकों को न्याय नहीं मिल पाया। पुलिस का रवैया यहाँ पर संध्यात्मक है। अभी हाल में ही विशाल के साथ जिस तरीके से एक घटना घटी है उसका खंडौली में अजला शरीर मिला है, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि झारखंड में या तो लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है या फिर विशेष एक तबके को चुन चुन कर उनके साथ गलत किया जा रहा है या फिर किसी षड्यंत्र के तहत या किसी साजिश के तहत ये घटनाएँ की जा रही हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अभी तक इसका कोई रिपोर्ट नहीं खुलकर सामने आ रहा है। तो हम जिला प्रशासन को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि जिला प्रशासन ने अभी तक क्योंकि 24 घंटे का समय मांगा था, 48 घंटे से ऊपर हो गया है, 2 दिन का समय हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर किसी तरीके का क्लू नहीं मिलता है या कोई रिपोर्ट फाइनल सबमिट नहीं होता है या किसी की अरेस्टिंग नहीं होती है जो जिनके ऊपर लोगों को विश्वास है कि इन्होंने घटना किया है, तो फिर झारखंड के अंदर गिरिडीह के अंदर चक्का जाम होगा और हर हालत में न्याय के लिए और न्याय मांग की जाएगी। जितना हद तक हो सके जितने युवा हैं यहाँ के, जितने भी यहाँ जिम्मेदार नागरिक हैं, उन सभी का मांग है कि या तो पुलिस अपना कमान संभाले, यहाँ पर लोगों को सेफ्टी दे, और नहीं तो उसके बाद फिर एक सत्याग्रह के लिए और एक आंदोलन के लिए तैयार। सदर प्रखंड की मजला डी में एक समाज सुधार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता हाजी उस्मान ने किया जबकि संचालन डॉक्टर अंजर ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कन्वीनर मुफ्ती मोहम्मद सैयद आलम ने कहा कि समाज सुधार के लिए आप काम करेंगे तो कुछ लोगों के द्वारा उंगली उठाई जाएगी। कहा कि समाज के उत्थान के लिए आप लड़ रहे हैं तो सभी दल को सहकर समाज को लेकर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तभी समाज का उत्थान हो सकता है। सम्मेलन को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। Yeah.
किसी को उतार के दीजिए, ज्यादा हो जाए। बोलने दीजिए, बोलने उतार दीजिए, उतार दीजिए। कोई जगह ऐसा नहीं होता है कि हमें जुए की शिकायत करने आती है, उसमें तमाम तरह के लोग हैं, उसमें हर हर कम्युनिटी के लोग हैं। जुआ कोरोना बुझा होता है, अगर गलत होगा तो सही करेंगे, जुआ तो हर तरह से आराम आराम। गांडे में इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे जितनी भी तरीके की सामाजिक बुराइयाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत इन लोगों को शुभकामनाएं, ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो प्रशासन है, पुलिस है, वो अपना काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ समाज के जो लोग हैं, जब तक वो आगे बढ़ चढ़ कर काम नहीं करेंगे तो ये सारी बुराइयाँ दूर नहीं हो सकती हैं। उसी के तहत आज एक पहल की गई है, मेरी शुभकामनाएं कि आगे ये पहल और आगे बढ़े और गिरिडीह शहर जो है एक रोल मॉडल की तरह उभर कर सब। यहाँ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था, जिसमें सामाजिक जो बुराई है हमारे बीच में मुस्लिम कम्युनिटी में, इसको दूर करने की बात जो भी जहां है उस लेवल पे रह करके, ताकि मतलब देश का विकास हो। बहुत बड़ी आबादी देश का मुस्लिमों की है, और मुस्लिम का आज की सचर कमेटी के अनुसार बहुत ही खराब पोजीशन, SST से भी हम लोग बहुत नीचे हैं, और इसमें सामाजिक स्तर से लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि हम मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएंगे। राय मुआशरा कॉन्फ्रेंस पहले के तयशुदा वक्त के मुताबिक रखा गया था, और हमारे इस्लाह मुआशरा कमेटी के सारे शख्सान और मेंबरान और अहदेदारान मौजूद थे, और आज हमारे ASP साहब हारिस बिन जमा साहब भी तशरीफ लाए थे, और जहूर साहब जो गांडे के ब्लॉक के CEO हैं वो भी मौजूद थे, और इस तरह से तमाम लोग, उस्मान साहब, हाजी उस्मान साहब, मुफ्ती शहीद आलम साहब, और रिटायर्ड DSP साहब, जो मिशन था वो ये था कि समाज में जो तेजी से फैल रही बुराई है, जैसे दहेज का लेन देन, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ प्रताड़ित करना, उनको मारना पीटना, उसे तलाक देना, इन ये मुद्दे थे। और दूसरा मुद्दा था तालीम का, कि तालीम की कमी है हमारे समाज में, उस पर जोर दिया जाए तालीम को फरोग के लिए। और हमारे समाज में जुआ, नशाखोरी, इस सूदखोरी, इस तरह के तमाम बुराइयां जो है व्यवस्थित हो गई हैं, तो इन सब बातों को लेकर और इमाम की तनख्वाह, तो एक कुल मिला करके हम लोगों ने सामाजिक बुराइयों पर पाबंदी डालने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया। आज के अंदर बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।